उज्जैन सुबह 7 बजे चलने वाली उज्जैन रतलाम मेमो ट्रेन शहर के रतलाम फाटक पर अचानक रुककर खड़ी हो गई, जिससे यात्री भी परेशान हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतलाम डिवीजन रेलवे विभाग की केबल लाइन में फॉल्ट होने के कारण पावर सप्लाई बंद हो गई। शहर के रतलाम फाटक पर मेमो ट्रेन के खड़े होने से बिल्लाग्राम मंडी के लिए आवागमन में भी परेशानी होने लगी। उक्त समस्या को देखते हुए विभाग ने डीजल इंजन की मदद से मेमो ट्रेन को बेड़ावने और रुनीजा तक पहुँचाया। आपको बता दें, शहर के रतलाम फाटक पर मेमो ट्रेन को तकरीबन 45 मिनट तक रोक दिया गया, जिसके कारण यात्री परेशान होते रहे। जानकारी के मुताबिक सुधार कार्य होने तक कई ट्रेनें लेट चलेगी, वहीं कई ट्रेनों को रद्द होने की भी संभावना बताई जा रही है। क्या परेशानी हो गई सर आपको? नागदा से चली बेड़ावनिया में लाके रोक दी। 1 घंटे के समथिंग हो चुका है, डेली आने जाने वाले हैं और अभी भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और अच्छा, दूसरी बात एक और सर, के जो पहले 12 डिब्बे आते थे मेमो में, उससे अब 8 कर दिए, उससे कुछ परेशानी? उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पब्लिक बैठ नहीं पा रही है, खड़े खड़े जाना पड़ रहा है। और इन दिनों में जब अपने राखी का त्यौहार है, जब हर महिला अपने पियर जाती है कि अपने राखी का त्यौहार बना है, और वो परेशानी में अपने यात्रा कर रही है, उनके साथ में उनके बच्चों को भी बहुत परेशानी हो रही है। उस टाइम पर सब पब्लिक में वो एक समय का भी